हेलो हाय, कैसे गाइस, दिस इज रोशन विचारे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आज का ये दिन आपका काफ़ी बढ़िया जाए। यार आज मुझे जिम जाना था बट मेरी ये जख्म है अब तक वो ठीक नहीं हुई, तो डंबल नहीं पकड़ सकता मैं क्योंकि यहीं पे ग्रिप आएगी तो लग भी सकता है क्योंकि अभी तक ये जो जख्म है वो सूखी नहीं है, तो इसे ठीक होने देता हूँ। तो मैं आज जिम तो नहीं जाऊँगा, तो मैं आज घर में ही एब्स वर्कआउट कर लूँगा और फिर शाम में मैं गार्डन में जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा रनिंग कर लूँगा, थोड़ा चलूँगा और स्ट्रेचिंग वगैरह मेरी वहाँ पे भी हो जाएगी। सो अब मेरा एप्स का वर्कआउट तो हो चुका है, अब मैं मेरा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पीऊँगा। देखो, वर्कआउट आप घर पे करो या फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो होती है, तो मैं आज भी मेरा वे प्रोटीन का शेक लूँगा। आज मुझे जाना था आधार कार्ड अपडेट कराने बट फिर सुबह कुछ काम की वजह से मुझे लेट हो गया, तो फिर वहाँ की जो अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट तो नहीं बट वहाँ पर जाने का एक टाइम होता है क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पर जाते हैं तो वहाँ पर रश भी कम होगी, तो मुझे लेट हो गया, 10:30-11 हो गए, तो अब वहाँ पे तो नहीं जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ नेटफ्लिक्स देखूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई नई मूवी नहीं देखी है या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई भी शो नहीं देखा। और मेरा फेवरेट शो स्ट्रेंजर थिंग्स का 4th सीज़न 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, तो वो आज देखूँगा। तो आज का लेज़ी डे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे वॉक के लिए आया हूँ इस गार्डन में, 5000 स्टेप का मेरा ये आज का टारगेट है। और 2000 स्टेप्स मुझे चलने हैं, सो मेरा आज का डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल पढ़ा, वो था अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। तो मैंने थोड़ा क्यूरियोसिटी में आके और पढ़ा कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो उसमें ना एक पार्ट ऐसा था जिसमें लिखा था सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स होता क्या दोस्तों? तो जैसे आप सभी को पता है ना कि हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स है जैसे स्नैपचैट हो गया, मतलब हम लोग इस पे वी आर हुक्ड, हम लोग इसे कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, मतलब थोड़ा टाइम मिला देख लिया, चलते चलते देख लिया, किसी से बात कर रहे उसको समझो शायद किसी का फ़ोन आ गया या फिर वो एक दो मिनट के लिए बिजी हो गया, हमने हमारा सेल फ़ोन निकाला, हम शुरू हो गए। बहुत से लोग तो वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। तो बात यह कि हमको इस मोबाइल का या फिर इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करूँ तो सोशल मीडिया का एडिक्शन लग चुका है। तो इसी एडिक्शन से छुटकारा पाने की जो ट्रिक है उसे सोशल मीडिया डिटॉक्स कहते हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये लोग तो कहते हैं यार सोशल मीडिया के ऐप्स ही डिलीट कर दो या फिर एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, कुछ महीने आप सोशल मीडिया यूज़ ही मत करो। बट यार मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना और सोशल मीडिया यूज़ करना दोनों भी डेंजरस हो सकता है। मतलब समझो हमने सोशल मीडिया यूज़ किया ही नहीं तो यार इट्स लाइक अ फोमो, मतलब हम लोग बाकी लोगों से थोड़ा कुछ अपडेट्स में पीछे है, ऐसा हो जाएगा। बट अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर सोशल लाइफ ऑल्सो और हमारा पीस ऑफ माइंड भी शायद इससे जाता है। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया एंग्जाइटी भी होती है, सो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे 2-3 ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिखे जो मुझे लगा कि आपको एक बार आपको बता दूँ, शायद आपको पता ही होंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला था कि रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ स्लीप। जैसे आप लोगों में से, मतलब हम लोग सभी कि जैसे एक बार रात में अगर हम लोग बेड पे लेटे हैं और लेटे लेटे हमारे हाथ में मोबाइल है, हम लोग देख रहे हमें पता ही नहीं चल जाता कि रील देखते देखते हमारा 1 घंटा कब उड़ जाता है। हम कोई सीरीज़ का एक ही एपिसोड देखेंगे ऐसा करके कोई सीरीज शुरू कर देते हैं, फिर एक एपिसोड, दो एपिसोड, मिनिमम 2 एपिसोड तो हम लोग देख ही लेते हैं और इसमें हमारे 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं।
सो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है इससे हैम्पर होती है, क्योंकि सुबह हम लोग उठते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हम लोग उतने एनर्जेटिक नहीं फील करते। एक ना साइंटिफिक स्टडी भी इसमें थी, आपको बता दूं कि हमारी जो नींद है, जो हमारी स्लीप साइकिल है, वो मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन से रेगुलेट होती है। मतलब रात में मेलाटोनिन हमारे बॉडी में डेवलप होना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जिससे हमें गहरी नींद आना शुरू होती है। बट मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है ना, उससे ये मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इससे हमारी नींद हैम्पर होती है। तो ये काफ़ी साइंटिफिक रीज़न है, बट एक लॉजिकल बात भी यही है ना कि यार सोते सोते मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो वैसे हमारी नींद उड़ जाती है। दूसरा यार, इससे हमारी आँखों में थकान होती है बहुत बार लाइट की वजह से, मतलब जो हमारी स्क्रीन की लाइट है उससे आँखें भी हमारी ड्राई होती है, विजन में भी डिफेक्ट आता है। तो ये दो चार प्रॉब्लम तो आप सभी को पता है। तो बात यह है कि हमें करना क्या है, तो जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसके बाद मैंने भी थोड़ा गूगल पे थोड़ा सर्च किया, और मुझे पता चला कि देखो, एक तो लॉजिकल चीज़ ऐसी जो मैं भी यूज़ करता हूँ, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है ना, एक दिन मुझे लगा कि यार इंस्टाग्राम मैं बहुत स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कैसा है ना, मैं फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, रील अपलोड करता हूँ, फिर मेरे फ़ोटो में किसने कॉमेंट किए, मेरे रील में किसने कॉमेंट किए, मेरे रील को कितने व्यूज़ आए, क्या रीच आया, तो इसलिए बार बार इंस्टाग्राम खोलता था। बट अब मैंने मेरे इंस्टाग्राम ऐप में टाइमर सेटिंग में जाके 45 मिनट्स अ डे का मैंने टाइमर लगाया। मतलब जैसे ही मेरे 45 मिनट्स पूरे दिन के हो जाते हैं ना, इंस्टाग्राम से ही एक मैसेज पॉपअप होता है कि आज के दिन का आपके 45 मिनट्स हो चुके हैं। सो उसके बाद मैं मोबाइल साइड में रख देता हूँ, या फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड में तो रहता है यार आज का कोटा ख़त्म, आज का कोटा ख़त्म। तो मैंने ये यूज़ करके देखा है और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, कि उससे ये हुआ कि इंस्टाग्राम का जो अननेसेसरी स्क्रोलिंग था ना, वो मेरा कम हो गया। हाँ, मतलब बेसिकली किसी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है या फिर मेरे काम से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी आई तो मैं ज़रूर उसे अटेंड करता हूँ, बट जो अननेसेसरी टाइम होता है वो उससे मेरा कम हो गया। दूसरा है कि मतलब सेम फेसबुक पे भी होता है, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स भी होता है, आप टाइमर लगा सकते हो। तो पहली बात है टाइमर। दूसरी बात यह हो सकती है कि जैसे हम कुछ छोटे मोटे कामों से घर से बाहर निकल रहे, जैसे सब्जी लाने के लिए हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर 5-10 मिनट के लिए घर से बाहर अगर जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाइए। तो इससे ये होगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आके भी जाता है, मिस हो जाता है, तो भी हम 10 मिनट के बाद तो उसमें अटेंड करने ही वाले हैं। और इससे ये होता है कि हम लोग जब जैसे बाहर जाते हैं ना, आपको पता है जैसे हम लोग घर से बाहर निकले, हम लोग मोबाइल खोलते ही स्क्रॉल करते करते ही जाते हैं, अगर उस पर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग 5 मिनट के लिए किसी दोस्त को फ़ोन लगा लेते हैं। तो बेसिकली इससे ये होगा कि ये जो भी मोबाइल मोबाइल की हमारी जो डिपेंडेंसी वो भी कम हो सकती है। तीसरी बात है कि फैमिली टाइम जब होता है ना, तो एक घर में रूल बनाए कि जैसे डिनर के वक्त हम लोग सब एक साथ है तो डिनर के वक्त कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, या फिर अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर जहाँ पे हम लोग शायद गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने किया था, मैं मेरे फैमिली के साथ कभी भी जाता हूँ या दोस्तों के साथ कभी भी लंच डिनर पे जाता हूँ ना, मेरा पहली चीज़ ये होती है कि मैं मेरा मोबाइल हमेशा स्क्रीन पे उल्टा करके नीचे रख देता हूँ टेबल टेबल के ऊपर। तो इससे ये होता है कि अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी कॉल्स वगैरह कुछ आते हैं, या फिर हमें आदत होती है कि अगर स्क्रीन मोबाइल के ऐसे मोबाइल अगर ऐसा रखा है हमने हमारे सामने, तो मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आता ना, फिर भी हम लोग उसको देखते रहते हैं। तो इसलिए यार मैं मोबाइल को ऐसा उल्टा करके रख देता हूँ, इंटरनेट बंद कर देता हूँ मैं, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आते, ये हो सकता है। इसके बाद जो मैंने एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन जो मैंने पढ़ा था आज गूगल पे, मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि आई होप ये मेरे से भी नहीं होगा, बट वो कुछ इस प्रकार का है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगे तो आप इसे आजमा सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि सुबह उठने के लिए हम लोग मोबाइल में जो अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, उसके बजाय असली वाला जो क्लॉक नहीं आता अलार्म क्लॉक, उसे यूज़ करें, सो दैट सुबह वो अलार्म बजेगा और हमारा हाथ मोबाइल पे नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग नींद में होते हैं, मोबाइल बजता है, हम लोग नींद में ही मोबाइल को उठा लेते हैं, हम लोग अलार्म बंद करते हैं और तभी देखते हैं क्या अगला 2-3 मैसेज पॉपअप हुए हैं, फिर ऑफिस के ग्रुप में क्या लिखा है, फैमिली के ग्रुप में क्या लिखा है, तो हम लोग उसमें लग जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि 5-10 मिनट कैसे उठ जाते हैं। इसीलिए सुबह के उठने के बाद फर्स्ट हाफ एन आवर नो मोबाइल, रात में सोते वक्त सोने से पहले का जो आधा घंटा होता है नो मोबाइल, इससे आपकी रात की, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ स्लीप भी सुधरेगी, और सुबह जो अपना
जो अपनी एनर्जी होती है, जो हमारी प्रोडक्टिवनेस होता है वो भी बढ़ती है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में कहा गया है। उसके बाद है कि हाँ, अगर आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है, जैसे आप शायद 9 to 5 जॉब है समझो, और आप 5:30 6 o'clock को घर पे आ गए, आप लोग सोचते होंगे यार अभी तो बहुत टाइम है, अब क्या करूँ मैं। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हो, तो इंस्टेड दैट आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, आप कुछ नया स्किल सीख सकते हो, आप कुछ हॉबी अगर आपको लगती है तो आप अपने हॉबी को डेवलप कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था कि दिन के कुछ घंटे हम खुद ही डिसाइड करेंगे, और उन कुछ घंटों में हमारे मोबाइल का जो नोटिफिकेशन होता है, जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर हमारे iOS एप्पल के भी जो फ़ोन थे, उसमें एक सेटिंग में ऑप्शन होता है कि नोटिफिकेशन आपके फ्रंट स्क्रीन पे पॉपअप होंगे कि नहीं, तो उसे डिसेबल कर दो, नोटिफिकेशन दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉल जो होंगे वो ही आएंगे। तो उससे ये होगा कि आपको इसकी आदत लग जाएगी। और दोस्तों देखो, ये मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की भी हमारी आदत है ना, वो ऐसी नहीं कि एक दिन में लगी है, इसे भी धीरे ही हमें लगी है। और आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप छोटे बच्चे हो, क्या आपको पता है ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों को मोबाइल टैब्स इनका एडिक्शन लग चुका है, 60+ भी मैंने लोगों में देखा है, यंग जनरेशन में भी देखा है, टीनेजर्स में, सब में ये मोबाइल एडिक्शन है ही। और ये मोबाइल एडिक्शन अच्छा है बुरा है इसमें मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर उससे आपका मेंटल पीस, अगर उससे आपकी एंगजाइटी बढ़ रही है, अगर आपका प्रोडक्टिव टाइम कम हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन में मैंने ये सीखा था और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दिस इज़ रोशन विचारे, साइनिंग ऑफ।